ओम पवित्र पवित्राणा सर्वसांग पुनरिकाक सुचे ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्य शु सर्वदा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणभ्यो नमः ओम गणपताय नमः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्य शु सर्वदा गणपति पूजन करी से गणपतीला नमस्कार ओम गणनांत्वा गणपति हवामहे निधिनांत्वा निधिपति हवामहे प्रेणांत्वा प्रेणपति हवामहे ओम शमक्ष्वाहा ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। माता जी की बात को एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल दे रहे समझे, तुम पर वही बंदिशें लागू रहेंगी। और खबरदार, जो मंदिर या रसोई में अपने पैर भी रखे तो गणपतिला फुलवा। गौरी जी क्या कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है आपका गणपति को? ओम गणनांत्वा गणपति हवामहे निधिनांत्वा निधिपति हवामहे वो प्रियनांत्वा। वैसे हमें अंदेशा तो था कि तुम हमारे परिवार के लिए सही नहीं हो, लेकिन अब हमें लगने लगा है कि तुम वो जहर हो जिसकी महक से हमारा परिवार खत्म हो सकता है। निधिपति हवामहे वो प्रियनांत्वा प्रियपति हवामहे ओम गम गणपताय नमः। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति जी स्थापना झाली आहे, पण आरतीची तयारी करू जी। मंगल मूर्ति मोरिया। सगळ्यांना आरती द्या गौरी। फूले से भी मंदिर या रसोई का कोई काम नहीं करता। इस उम्र में हम उन्हें पाप के बोझ तले दबे हुए नहीं देखना चाहते। मुंबई वाली क्या सोच रही हो, प्रसाद दो हमें। Thank you.
अब हमने इस गलती पे पर्दा नहीं डाला तो इसके अंदर का कड़वा सच कि तुम एक मांसाहारी परिवार से हो बाहर आ जाएगा। हम पूरे बनारस में किसी को वो दिखाने लायक नहीं रहे। क्या वो गौरी जी अम्मा को प्रसाद दीजिए ना, सोच के रही है। रक्षा करना, कोई अनहोनी मत करना प्रभु। बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, हमें माफ कर देना प्रभु, हमें माफ कर देना। माता जी, गणपति पहली बार हमारे घर आए और हमारे हाथों उनका प्रसाद गिर गया, घोर अनर्थ हो गया माता जी हमारे हाथों। अब पता नहीं क्या होगा, कौन सा कहर टूटने वाला हमारे घर पे। कुछ नहीं होगा जौनपुर वाली, शांत हो जाओ। तो देखो, तुमने जानबूझकर तो प्रसाद गिराया नहीं। अरे तबीयत खराब थी तुम्हारी, इसलिए गिर गया प्रसाद। और ऐसे में तो भगवान भी माफ करते हैं। भगवान तो माफ कर देंगे माता जी, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे माता जी। हम प्रायश्चित करके रहेंगे। क्या करोगी तुम? माताजी, हम चौमासा खत्म होने तक एक आसना करेंगे, और वो भी खुद अपने हाथों से बनाए हुए भोजन से। लेकिन जौनपुर वाली, बहुत कठिन होगा, तुम्हें परेशानी हो जाएगी। अब जो हो सो हो माताजी, लेकिन अपने आप को पाप से बचाने के लिए हम ये करके रहेंगे। देखो एक बार फिर सोच लो। माताजी सोच लिया, अब हम अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा हम चलते, शांत हो जाओ। जय भोलेनाथ प्रभु, रक्षा करो भगवान। जय हो। आज तो अपना धर्म भ्रष्ट ना हो इसके लिए हमने बेहोश होने का नाटक कर लिया, लेकिन अगली बार अगर ऐसे हालात हुए ना तो नाटक तुम करोगी, समझी? मैं? हाँ तुम, पापी तुम हो, हम नहीं। और हर बार तुम्हारा पाप हम अपने सर नहीं लेंगे, समझी? अब जाओ अपने कमरे में और सुनो, खबरदार जो अपने कमरे से पैर बाहर निकाला। ओके भाई, सट्टा ही राइली अशीज गुंडाळू खोई। आई थांब थांब, वाकू नकोस, मी करती। अगो सगळी एकटी काय करणार तू, मला काय कळतच नाही। काय हे बघ,
आगो किती कचरो दे माका झाडू आणून दे मी झाडते कशाला मी काढते केर शांत राहा आगो छे लक्ष नाही आगो गेली खाय निशा अग शांत राहा जरा निशा तिच्या मैत्रिणीकडे गेली आहे दर्शनाला छान घरातला गणपती सोडून बाहेर फिरता ती हा सून बाहेर फिरता सासू घर आवरता अगं ठीक आहे ना मी आवरती आहे ना छान सून बाहेर फिरता आणि सासू घर आवरता निशाक ना हम्मा सारखी सासू मिळूक होई होती म्हणजे कळला असता तिका तू का असा गुंडाळून ठेवला तिने आई एवढं काही झालेलं नाहीये आणि हल्ली ती सगळी कामं करते काय करते गो सांग माका काय करता ती हा अगो थैसर गौरी सकाळी उठून अशी बाहेर गेली असती आणि घरातली कामं दादी आणि अम्मा करूक लागली असती तुका काय वाटलं असता चालला असता काय तुका तुला काय म्हणायचं कळतंय मला मला नसतं चाललं त्यात म्हणताय मी गौरी अशी वागणारच नाही अशा अवस्थेत सुद्धा तिने आज सगळ्या पूर्णावरणाचा स्वयंपाक केला असत अगो उकडीचे मोदक सुद्धा केले असतील तिने तुझा फोन कुठे आहे दे माका बोलायचा गौरीशी तुझ्या मागे हो काय आज तो अपना धर्म भ्रष्ट ना हो इसके लिए हमने बेहोश होने का नाटक कर लिया लेकिन अगली बार अगर ऐसे हालात हुए ना तो नाटक तुम करोगे समझी पापी तुम हम नहीं और सुनो खबरदार जो अपने कमरे से बैग बाहर निकाला हेलो हेलो बर्फे आले का पप्पा हो आले ना हां आले का पूजा बीजा हां मोदक मोदक हां 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 मोदक केलेस ना जमले का जमले हो जमले आणि आवडले सगळ्यांना माझ्या बर्फीच्या हाताला चवच आहे तशी हम्मा बरी आहे ना गो हां तुझ्याशी गोड आहे का तिखट आहे गोड काय गो अशी तुटक तुटक का बोलतोस सगळं ठीक आहे ना थाय तर मुंबईवाली किससे बात कर रही हो मुंबईवाली आजी दादीजी आले आहेत त्यांच्याशी बोल ना दादीजी मुंबई से आजी का फोन आहे जय गंगे आजी जी हा नमस्ते जय गंगे दादी पहिली बार पप्पा घर आहे कैसा लगा आपको मोदक पसंद आहे क्या मोदक हा अरे पप्पा को एकदम पसंद आहे वो उकडी के मोदक अरे उनके लिए मोदक करने ही पड़ते हैं अगो खूप प्रकार असतात उकडीचे तळलेले खव्याचे हा गौरीक सांग ते रोज एक प्रकार करून घालेल तुका आप सब कैसे है और हाँ मुंबई वाली ठीक है और वहाँ कैसे है सब हाँ हम सब ठीक है इधर देखो हमारे घर कल उकड़ी के मोदक बनेंगे जैसे आज तुम्हारे घर बने थे बाकी अम्मा वगैरह ठीक है ना हाँ हाँ ठीक है हाँ अभी हम रखते हैं आप अपना ख्याल रखिएगा और वहाँ घर पर सबको हमारा आशीर्वाद दे दीजिएगा माझा पण अम्माला आशीर्वाद ठेवते मुंबई वाली ये मोदक क्या होते दादी जी वो महाराष्ट्र का खास तरह का प्रसाद है गणपति को बहुत पसंद है अरे तो फिर बनाए काहे नहीं अरे हाँ हम तो भूल ही गए वो तुम्हारी तबीयत खराब है ना बेटा अभी कैसी तबीयत है तुम्हारी मुंबई वाली मायके की याद आ रही है हम समझ सकते हैं लेकिन तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो फिर शाम को हमारे साथ मोदक जो बनाने हैं तुम्हें अब पहली बार गणपति आ रहे हैं ना हमारे घर तो मोदक ना बने ऐसा कैसे हो सकता है तुम आराम करो अच्छा अब जाओ जाके खाना खा लो गौरी ये लो
खाना खा लो, तुम्हारा खाना लाए। सीता मऊ वाली, अरे त्योहार का दिन है आज तो सबको एक साथ बैठकर खाना चाहिए ना। वो दादी जी, हमने भी अम्मा जी से यही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि गौरी को खाना कमरे में देकर आओ। क्या दादी जी, वो मेरे पैर में बहुत दर्द है ना, तो मैंने ही अम्मा जी से कहा था कि मैं यहाँ कमरे में खाना खाऊंगी। अच्छा अच्छा, तुम यही खाना खा लो, उसके बाद आराम कर, फिर हमारे साथ मोदक बनाना, ठीक है? हम चलते। जय भोलेनाथ। हर तरह से हम ही पिस रहे हैं गौरी, क्या बताएं तुम्हें। क्यों, क्या हुआ भाभी? अब देखो ना, ये अम्मा जी पता नहीं किस जन्म का गुस्सा निकाल रही हैं। कोलू का बैल बना के रख दिया हमें, इतना काम और बिल्कुल आराम नहीं। क्या हमारी छोड़ो, ये लो तुम खाना खा लो। हाँ भाभी, आपने खाना खाया? कहाँ खाना खाया, देखो ना सबके लिए डब्बा पैक किया और उसके बाद अम्मा जी ने यहाँ भेज दिया तुम्हारे पास। वैसे गौरी एक बात बताओ, तुम्हारे पैरों में तो इतना दर्द नहीं था कि तुम बाहर जाकर खाना नहीं खा सकती थी, तो फिर अम्मा जी ने तुम्हें सबके साथ खाने के लिए मना क्यों कर दिया? नहीं नहीं, मतलब गौरी, दादी जी ने तो सारी बंदिशें हटा दी तुम पर से, तो फिर तुम ये कमरे में बंद क्यों? गौरी तुम परेशान मत हो, हमने तो बस यूं ही पूछ लिया। वो क्या ना, आजकल हम टीवी पे जासूसी वाला शो देख रहे हैं, तो हम पे ना जासूसी करने का चस्का लग गया थोड़ा, तो इसलिए सवाल कर दिया, बस और कुछ नहीं है। गौरी हम तुम्हारा खाना रख देते हैं। हाँ, हमने बेड पर खाना रख दिया, तुम खाना खा लेना। हाँ हम चलते। सणाच्या दिवशी मी एकटी जेवते, सगळं कसं बदलताना लग्नानंतर। क्यों गौरी, ये मोदक का क्या नया नाटक है? कहीं तुम माताजी के बहाने हमारी रसोई में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? खबरदार, अभी अभी माताजी मोदक बनाने का नया फरमान सुना के गई हैं। और ये मोदक के बारे में माताजी को किसने बताया? तुम्हारी अज्जी जी ने। देखो हमें सच सच बता दो गौरी, तुम और तुम्हारी अज्जी जी मिलकर कोई नया तमाशा तो नहीं करने वाली हो? नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आजी का फोन आया था और वो मुझे पूछ रही थी कि मोदक बना है कि नहीं, और तभी दादी जी आई और उन्होंने आजी से इस बारे में बात की। इसमें मेरी और आजी की कोई गलती नहीं है। ठीक है ठीक है, इस बार तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन याद रखना रसोई और मंदिर से तुम दूर ही रहना, और आइंदा ऐसी कोई नौबत नहीं आनी चाहिए, समझे? लेकिन अम्मा जी ये कब तक चलेगा? मतलब कभी ना कभी तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना? वो सब हम नहीं जानते, जब तक हम सहन कर रहे हैं ना, हम सहन कर रहे हैं। जिस दिन हमारी सहन शक्ति जवाब दे गई, उस दिन तुम्हारा क्या होगा तुम अच्छे से जानती हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है, समझी? मोदक बनाएगी। हाय कुरुमी, थोड़ा काही सांगता येत नाहीये,
शिवला सांगितलं तो तो उगाच अम्माजींचे वाद घाले. गप्प बसून खोटं बोलून त्रास होतोय मला. आईला नाही नको. तिला उगाच टेन्शन आहे.